नमस्कार, आप देख रहे हैं YouTube चैनल भावना पंत एपन आर्ट। आज मैंने इसमें चार प्रकार की रुई की बत्ती बनाने की विधि को बताया है। शुरुआत में हम इसमें रुई को हल्के हाथों से पकड़ते हुए इस तरीके से धागा बनाते हुए जाएंगे। धीरे धीरे उसे रोल करते हुए उंगली, दो उंगलियों की सहायता से घुमाते हुए लंबा सा धागा बनाएंगे, जिससे कि हल्के हाथों से इसे हमें बनाना है। इस तरीके से आगे हल्की सी इसको हम और रोल कर लेंगे, जिससे कि बत्ती बहुत अच्छी सी बन पाए। इस तरीके से उंगलियों के बीच में घुमा के इसको इस तरीके से हम अपने चार उंगलियों में ऐसे लपेटेंगे। एक, दो, तीन, चार, पांच, पांच बार हम इसको अपने हाथ में लपेटेंगे। इस तरीके से ये पांच बार लपेटी हुई बत्तियां आरती करने के लिए प्रयोग की जाती हैं। इसको हल्के हाथों से हम इसको थोड़ा प्लेन कर लेंगे। इस प्रकार से हमारी एक ये बत्ती तैयार हो गई है। रुई को हमें बहुत हल्के हाथों से पकड़ते हुए हल्के हल्के रोल करना है, जिससे कि वो अच्छे से रोल हो और हमारे हाथों में लपेटने के लिए सही रहे और धागा टूटे भी ना, इतना हमें इसे रोल करना है। हल्के हाथों से हमें इसे रोल करना है। इस तरीके से हम इसे घुमाते जाएंगे जब तक कि ये धागा बराबर न बने। उसके बाद ये एक, दो, तीन, ये चार और ये पांच। इस तरीके से पांच बार ली हुई बत्ती हमने तैयार करी है। इसे पांच पूरी बत्ती भी कहा जाता है। इसको हम आरती के लिए प्रयोग करते हैं। इस तरीके से कलर लगाने से बत्तियों के मुंह सुलटी बत्ती का हमें पता चलता है, इसलिए हम इसमें कलर लगाते हैं और उसको लगा के हाथ भी अच्छे से घूमता है। इस टाइप, इस तरह से कलर अगर हम हाथ में लगा लेंगे अपनी अंगुलियों में, तो रुई अच्छे से हाथ में घूम जाएगी। अन्यथा रुई हाथ अंगुलियों की सहायता से घुमाने में बहुत परेशानी होती है, रुई फिसल जाती है। इसलिए हम इसमें कुमकुम कलर इस तरीके से किसी भी चीज़ का, या अगरबत्ती की जो राख होती है हम उसे भी इसमें यूज कर सकते हैं, वो शुद्ध होती है। और इस तरीके से ये हमारी रोल बना। हल्के हाथों से, जितना हल्के हाथों से हम इसे खींचेंगे उतने अच्छी हमारा ये लाइन बनेगी। इसके लिए हमें प्रयास करना पड़ेगा, बार बार जब हम इसे बनाएंगे तभी हम बना पाएंगे। पहली बार में ये बिल्कुल सही नहीं बन सकती है। इस तरीके से हम इसे और रोल कर ले रहे हैं। ये देखिए, एक, दो, तीन और चार और ये पांच। इस तरीके से पांच बार लपेटा हमने इसे, ये पांच बार हमारी ये बत्ती तैयार हो गई। और जहाँ पर से हमने स्टार्ट किया है वो बत्ती का सुलटा साइड होता है और उसी साइड से हम इसे जलाते हैं, इसलिए थोड़ा सा कलर या कुछ राख अगर हम उसके मुँह में लगा लेंगे तो हमें सुलटी बत्ती होने का अंदाज आता है। और मुंह पे हम उसका थोड़ा सा धागा भी पड़ा रख सकते हैं, जिससे कि हमें सुलटी बत्ती का पता चले। उस तरीके से ये मेरी बत्ती बनाने का ये पहला तरीका है। अभी दूसरा, तीसरा और चौथा वीडियो में आगे को आपको देखने को मिलेगा। इस तरीके से ये एक, दो, तीन, चार, पाँच, पाँच बार अपने हाथों में इसे हमने लपेट लिया। चार अंगुलियों में ही लपेटी गई बत्ती शुद्ध मानी जाती है। चार उंगलियों से बड़ी और चार उंगलियों से छोटी बत्तियों को अशुद्ध माना जाता है। बत्ती की नाप चार उंगलियों की होती है। इस तरीके से हमने इतनी बातियां बना ली हैं। इसमें मेरी 108 बातियों की बनी हुई है। इस तरीके से हम 108 बातियां एक साथ रख के इसे हल्का सा धागे की सहायता से बांध देंगे। आरती करते वक्त हम 108 बत्तियों की आरती भी, कहीं मंदिर जाएं तो वहाँ या घर में किसी
बड़ी पूजा में इसको यूज कर सकते हैं। ये ध्यान रखना जरूरी है कि बत्तियों का मुंह सुलटा एक साइड को रख के ही इन्हें एकत्र करा जाए, एक साथ रखा जाए। इस तरीके से हमारा हल्के से कलर लगाने से इनके मुंह साफ़ अंदाज आएंगे। ये 108 बत्तियां पूरी हो गई हैं, देखिए इस तरीके से। अब दूसरे तरीके की बत्ती है तीन पूरी बत्ती, जिसे तीन पूरी बत्ती कहा जाता है। इसे तीन अंगुलियों में लपेट के बनाया जाता है। इसमें भी हल्के, बहुत हल्के हाथों से हम इसे रुई को खींचेंगे इस तरीके से। इसके लिए हमें धागा थोड़ा छोटा ही बनाना पड़ता है, और छोटा और थोड़ा मोटा, जिससे कि रुई ज़्यादा उसमें ली जा सके। इस तरीके से एक दो और ये तीन, इस तरीके से तीन तीन बार अपनी अंगुलियों में हम इसे लपेटेंगे। और इसे त्रिपुरी बत्ती कहा जाता है, जो शिव जी की आरती के लिए उपयोग में लाई जाती है। इस तरीके से इसको हम रोल कर देंगे, और इसे हम तीन पूरी बत्ती कहते हैं, जो शिव जी की आरती के लिए प्रयोग की जाती है। इस तरीके से ये एक बत्ती तैयार हो गई। तीन पूरी बत्ती अगर हम पतला धागा लेंगे तो बहुत पतली हो जाएगी, इसलिए इसके लिए धागा थोड़ा सा हम मोटा बनाएंगे तो वो क्या कहते हैं अच्छा जलेगा। इस तरीके से एक दो, और ये हाथ में हमारे तीन बार लपेटती है। इस चीज़ का ध्यान रखना ज़रूरी है कि बत्ती चार अंगुलियों में ही लपेटी जाए। इसका मुंह इस तरीके से हमें साफ नज़र आएगा, इसलिए हमने इसको थोड़ा मुंह बड़ा बना लिया उसका। अरे सुलटी बत्तियाँ हैं करके हमें इसका अंदाज़ा आ जाएगा। इस प्रकार से हमारी वो बत्तियाँ तैयार हो गई हैं शिव जी की पूजा के लिए। अब हम बनाएंगे तीसरी प्रकार की बत्तियाँ, जिन्हें ज्योत कहा जाता है। इस तरीके से उसके लिए हम पहले हल्की सी रुई को फैला लेंगे थोड़ा सा, उसके बाद एक छोटा सा रुई का मोती टाइप बना के उसके बीच में रखते हुए, जिससे कि अच्छा रोल हो, उसमें हमने हल्का सा कलर लगा लिया और इस तरीके से इसके मुंह को बना लिया है। अगर हम इसे इन बत्तियों को इस तरीके से हल्का सा उसे शेप देंगे हाथों की सहायता से, और ये हमारी एक बत्ती तैयार हो गई है। ये बत्तियों को भी हम बहुत सारे साथ बना के घी, गरम घी करके उसमें डाल के उनको थोड़ा सा पका के अगर हम स्टोर करके रख लेते हैं, और आरती के समय अगर हम इन्हें यूज करें तो ये बहुत अच्छी जलती हैं, और 5-7-10 मिनट तक जलती हैं आराम से ये बत्तियाँ जलती हैं। देखिए इस तरीके से हल्का सा हमने कॉटन को फैला लिया है, उसके बाद थोड़ा उसमें बीच में हमने कॉटन को रख लिया एक मोती के बराबर, और उसके बाद फिर उसका हल्का सा मुंह बनाते हुए इस तरीके से उसको अंगुलियों की सहायता से धागे मुंह बना दिया है उन बत्तियों में। ये देखिए इस तरीके से ये बत्तियाँ भी आरती करने के लिए बहुत अच्छी होती हैं। वो हमारी दूसरी प्रकार की बत्ती हो गई, और यह तीसरे प्रकार की बत्ती है जो दिया जलाने के लिए यूज की जाती है। मंदिर में दिया जलाते हैं तो उसके लिए इसे यूज करेंगे। प्लीज़ अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इस तरीके से हम इसमें इतनी रुई लेंगे, और हाथ सही चलाने के लिए हम उसमें हल्का सा कलर लगा लेंगे। और इस बत्ती में सुलटी इस टाइप से कुछ भी नहीं होता, हम इसको कहीं से भी चला सकते हैं। इस तरीके से हल्का सा हाथ में रख के, ये सामान्य प्रकार तरह की बत्ती है, ये हर कोई भी आसानी से इसे बना लेता है। सिर्फ कॉटन बराबर साइज में हमें इसके लिए प्रयोग में लानी है। इस तरीके से अगर हमें लग रहा है ज़्यादा रुई है तो हम इसे तोड़ के अलग कर देंगे। इस तरीके से अपने हाथ में रख के हम इसे हाथ की सहायता से रोल करके इसे बना लेंगे। इस तरीके से अब हमने इसे रोल कर दिया, देखिए बहुत अच्छी बत्ती हमारी बन के तैयार हो गई है, जो दिया जलाने के लिए प्रयोग में लाई जाती है। आजकल मार्केट में भी बत्तियां बनी हुई आ रही हैं, लेकिन वो बत्ती बहुत पतली होती हैं कभी, और महंगी भी बहुत होती हैं। इन्हें हम घर में आसानी से बना सकते हैं, जो बहुत कम कॉटन में बहुत अधिक बत्तियां बन जाती हैं, और आसानी से हमें सुबह शाम पूजा करने के लिए उपयोग में इसे कर सकते हैं।
इस तरीके से हमारी तीन प्रकार की बत्तियां बन के तैयार हो गई हैं। अब चौथी प्रकार की बत्ती है अखंड ज्योति जलाने के लिए, जो हम थोड़ा इसका साइज बड़ा करेंगे। तो अखंड ज्योत जो हम नवरात्रियाँ में जलाते हैं या किसी भी और समय में अखंड ज्योत जलाई जाती है, उस समय इस तरीके से हम इस प्रकार से, तो इसके लिए हमें धागा थोड़ा और बड़ा करना होगा और अच्छे से हम उसे रोल करेंगे। इस तरीके से हल्के हाथों से ही रोल करेंगे। अब हमने के नीचे अगर हम रुई के यहाँ पर पकड़ के बाती को इस टाइप से पकड़ लेंगे और फिर रोल करेंगे तो धागा बहुत अच्छा रोल हो जाएगा। और इस तरीके से रोल की हुई बाती अधिक समय तक जलती है और तेल भी कम लगता है। इन बाती में जितना तेल हम यूज करते हैं वो तेल ज़्यादा समय तक बत्ती को जलाए रखता है। देखिए इस तरीके से इतनी देर हम इसको हाथ की सहायता से, अंगुलियों की सहायता से घुमाएंगे, जिससे पतली पतली हमारी डोरी, ये इस तरीके से अंगुलियों की सहायता से घुमाएंगे और हमारी डोरी बढ़िया सी बने और उसकी बनावट भी अच्छी बने। देखिए इस तरीके से हम इसको बना लेते हैं और इस तरीके से हम इसे भी हम 5 बार अपनी उंगलियों में लपेट लेंगे। अब इसके लिए हमें अपनी उंगलियों को थोड़ा फैलाना होगा क्योंकि हमें इस बत्ती को बड़ा बनाना होता है। अखंडी ज्योत में बड़ी बाती लगती है तो इसके लिए हमें थोड़ा फैला करके उंगलियों को उनमें करेंगे, जो और बातियों के साइज से इनका साइज़ थोड़ा बड़ा करना है। देखिए इस तरीके से जितनी वो बाती है उसका हमने थोड़ा ज़्यादा इसको लिया है और इससे हम अखंडी ज्योत वाली बाती आराम से बना सकते हैं। देखिए इस तरीके से जी हम इस बाती को बना लेंगे और इस तरीके से हमारी ये 4-5 प्रकार की बातियाँ बनके तैयार हो गई हैं। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगले फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।